मध्य प्रदेश में नगरी चुनाव चल रहे हैं और झाबुआ में भी चुनाव चल रहा है। सांसद गुमान सिंह डामोर हमारे साथ में हैं। सर, चार जगह पर झाबुआ जिले में चुनाव है, तीन जगह अलीराजपुर में चुनाव है, क्या संभावनाएं देखते हैं बीजेपी की? पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। स्थानीय निकाय के चुनाव में सेलाना, थांदला, पेटलावत, झाबुआ, राणापुर, जोबट, चंद्रशेखर आज़ाद नगर और अलीराजपुर, इन आठ स्थानों पर कमल का फूल खिलेगा और भारी बहुमत से सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के स्थायी निकाय के चुनाव में विजय होगी। दो महीने पहले जो नगरी चुनाव हुए थे 200-250 जगह पर, वहाँ पर थोड़ा मिला जुला प्रदर्शन रहा था, तो इस बार एक बड़ी चुनौती है, बीजेपी के लगभग सभी सीटें जीते हैं। हमारे लोकसभा क्षेत्र में रतलाम हम जीते हैं, झाबुआ ज़िले की बात करें तो मेघनगर हम जीते हैं, और जहां तक पिछले निकाय चुनावों की बात है उससे तो भाजपा भी बहुत आगे निकल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी समर्थन मिल रहा है। करीब एक साल बचा है सर विधानसभा चुनाव को, एक तरह से अंतिम साल है, और कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि हम 150 से ज़्यादा सीटें इस बार लेके आएंगे 2023 में। देखिए, 2023 का चुनाव हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस 2023 के चुनाव में कांग्रेस लगभग साफ हो जाएगी। कांग्रेस को सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जनता ने नकार दिया है, तो इस दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से भाजपा को अभूतपूर्व विजय मिलेगी। भारत जोड़ो यात्रा कितनी कामयाब होगी, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी निकाल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो भारत अखंड है, तो भारत को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस को ज़रूरत है कार्यकर्ताओं को जोड़ने की। उनके एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर अलग अलग हो रहे हैं। जितने बड़े बड़े कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो सब कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा के बजाय कांग्रेस कार्यकर्ता जोड़ो यात्रा शुरू करना चाहिए थी। तो दावा है कि आप सभी जगह चुनाव जीत रहे हैं? हम बेशक सभी जगह भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। तो आपने सुना सांसद गुमान सिंह डामोर साहब का दावा है कि सभी जगह अपने संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की परिषदें बनेगी और वो जीतेंगे। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।